भगौड़े अमृतपाल सिंह की तलाश और तेज हो गई है। अमृतपाल के पंजाब में छिपे होने की अब खबर सामने आई। होशियारपुर में बैरिकेड तोड़कर एक कार निकल गई। कार में भगौड़े अमृतपाल के होने का शक जताया जा रहा है। पंजाब पुलिस को होशियारपुर में चंचल सिंह गुरुद्वारा के पास लावारिस कार मिली थी और कार मिलने के बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन इस इलाके में जारी है। लगातार भागा फिर रहा है अमृतपाल। पुलिस और एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हुई हैं और इस बीच होशियारपुर में एक कार जो कि नाकेबंदी तोड़कर भागी लावारिस हालत में बाद में बरामद की गई है और होशियारपुर में ही उसके छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको दिखा दें, देखिए मैसिव सर्च जो है अभी चल रही है। अभी पूरी टुकड़ियां पुलिस की पहुंची हैं, ये देखिए। पुलिस अधिकारी यहां मौजूद हैं। पंजाब के होशियारपुर में छिपा अमृतपाल, पुलिस के घेरे में भगौड़ा खालिस्तानी। होशियारपुर के चप्पे चप्पे पर पंजाब पुलिस तैनात है। हर घर में तलाशी लेकर अमृतपाल को ढूंढा जा रहा है। पंजाब पुलिस को शक है कि जिस अमृतपाल सिंह की तलाश दिल्ली से नेपाल तक चल रही है वो पंजाब के ही होशियारपुर में छिपा हुआ है। तकरीबन 8:15 ना जी, एक नोवा गड्डी आई सी। अच्छा जी। वो मगर एक फॉर्चुनर गड्डी सी, उसका पीछा कर दी सी। अच्छा जी। उसी सी वो ना साढ़े जो एक गुरुद्वारा साहब है जी, वहाँ भाई चाचा जी जी, वो उत्थे तकरीबन उधर नू गड्डी मार ली उन्होंने, पिता दे थोड़ा लग गया। अच्छा जी। तो गड्डी के विचों कहते जो दसते हैं उत्थे जी, मैं तो पता नहीं उत्थे कौन सी। तो दो बंदे कहते उतर के भज गए साइड नू खेतां नू, कंधा टप गई। अच्छा जी। तो उसके बाद सारा ही लोगों ने सील कर दिया। असल में पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम को एक सफेद इनोवा कार में अमृतपाल और उसके सहयोगियों के सवार होने का शक हुआ। होशियारपुर के एक गांव में अचानक इस इनोवा कार ने पुलिस चेक नाका तोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक कार में चार लोग सवार थे और जब पुलिस ने पीछा किया तो वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। यहाँ पर ये गुरुद्वारा साहब है जहाँ पर वो गाड़ी आई जो इनोवा गाड़ी थी, उसमें दो संदिग्ध बताए जा रहे हैं। हालांकि जो चश्मदीद है उनका कहना है कि दो लोग थे, अब पीछे जो है पुलिस की गाड़ियाँ आधा मिनट के बाद आ गई और बड़ी तेज़ी से गाड़ी आई और यहाँ टकरा सकती थी। तो एक शख्स जो है वो इधर पीछे गेट से भाग गया और दूसरा धरेंद्र यहाँ दिखाइए इस दीवार को क्रॉस करके गन्ने के खेतों की तरफ वहाँ भाग गया। तो अभी सर्च जो है वो चल रहा है। कार मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन एक्टिव कर दिया है। पंजाब के नक्शे पर देखिए, होशियारपुर जिला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब है, यानी ये संभव है कि अमृतपाल वहां से किसी नई लोकेशन की तरफ रवाना हो गया हो। बताया जा रहा है कि अमृतपाल के साथ उसका सहयोगी पप्पल प्रीत भी है। इन दोनों फरार अपराधियों की तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक गड्डी इनोवा गड्डी सी, वो जो दो जने से एक मूना से एक सरदार से, तो वो जो आके रुकती है गड्डी इतने ना उतर के भजे आ दो बंदे, एक बंदा इधर नू टप गया एक बंदा उधर नू चल गया ना जी। पिछे पुलिस की गड्डी भी अद्धे के मिनट से फर्क ना सी उन्होंने, आधे मिनट में गाड़ी। हाँ आधे आधे पौने मिनट च कहते गड्डी आ गई सी पुलिस की भी। पुलिस की कई टीमें इस वक्त भी होशियारपुर गाँव और उसके आसपास के इलाके में मौजूद है पर अब तक अमृतपाल का कोई सुराग नहीं मिला है। इससे पहले अमृतपाल का एक नया वीडियो सामने आया, इसमें वो अपने सहयोगी पप्पल प्रीत के साथ नजर आ रहा है। वीडियो में अमृतपाल सिंह बिना पगड़ी के और मास्क पहने हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीर दिल्ली के एक बाजार की बताई जा रही है। इसमें भगौड़ा अमृतपाल काला चश्मा पहने सड़क पर चलते हुए दिख रहा है जबकि पप्पल प्रीत सिंह एक बैग के साथ उसके पीछे चलता दिख रहा है। अमृतपाल चाहे होशियारपुर में हो या फिर दिल्ली में, उसके छिपने की जगह लगातार कम हो रही है और चोर पुलिस के खेल में अमृतपाल किसी भी वक्त खाकी वर्दी की पकड़ में आ सकता है। होशियारपुर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भगौड़े अमृतपाल सिंह की तलाश और तेज हो गई है और खबर है कि अमृतपाल के पंजाब में ही छुपे होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। होशियारपुर में बैरिकेड तोड़कर एक कार से बाहर की तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। आपको बता,
भगौड़े अमृतपाल के यहां इस कार में होने का शक भी जताया जा रहा है। तो पंजाब पुलिस को होशियारपुर में चंचल सिंह गुरुद्वारा के पास लावारिस कार मिली और इसी कार से भागने के शक जता रही है पंजाब पुलिस। नाकेबंदी तोड़कर कार से भागा अमृतपाल। अमृतपाल सिंह जिसके पंजाब के होशियारपुर में होने का शक जताया जा रहा है, एक कार जो नाकाबंदी तोड़ करके भागी, माना जा रहा है कि उस कार में अमृतपाल सिंह हो सकता है। इस बीच जगह जगह के सीसीटीवी वीडियोस जिसमें सामने आ रहे हैं, राजधानी दिल्ली में भी देखा गया था अमृतपाल, अलग अलग राज्यों में उसके और पपलप्रीत के वीडियोस सामने आ रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही वो पुलिस की हिरासत में हो सकता है। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल के कभी नेपाल भागने की खबरें सामने आई थी। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में लगातार सघन तलाशी अभी भी चल रही है, छापेमारी अभी भी चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में अमित भारद्वाज भी देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, वाकई ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि अमृतपाल सिंह इतने दिनों से चकमा देता रहा, कई राज्यों से सीसीटीवी फुटेज सामने आए और अब पंजाब के होशियारपुर में छुपा हुआ है। देखिए, मैं उसी गांव में हूँ मंडैया, जहाँ पर जो है ये आप देखें, ये मैसिव जो है सर्च चल रही है यहाँ पर। ये आप देखें कि पुलिस के जो कर्मी हैं वो सबको पूछताछ कर रहे हैं, इस गांव में जाने देना जो है दे नहीं रहे। और यहाँ पर कल जो है एग्जैक्टली इसी जगह से जो है वो गाड़ियाँ निकली और ये देखिए कि यहाँ जहाँ यहाँ पुलिस की पूरी एकदम कार्रवाई चल रही है, यहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर जो है वो गुरुद्वारा साहिब है, टी पॉइंट से राइट होकर फिर गुरुद्वारा साहिब है, उसके साथ ही खेत है जहाँ से कहा जा रहा है कि वो दो लोग जो हैं वो यहाँ से भाग निकले। तो मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ जो है वो अमृतपाल और पपलप्रीत जो है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो लोगों की गाड़ी थी, इग्नोवा गाड़ी थी, और उसके पीछे जो है वो जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वो उसके पीछे थी, बिल्कुल आधा मिनट की दूरी पर वो थे। और जैसे ही वो गाड़ी इस तरफ मुड़ी तो उसका पीछा किया गया और वो एक डेरे की तरफ चली गई जो कि एक कॉमन डेरा है, गुरुद्वारा भी है वहाँ पर और एक कॉमन डेरा है, और भी जो है गांव के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, वो एक कॉमन डेरा है। वहाँ पर जाके गाड़ी जो है बहुत तेज़ी से जो है, वहाँ रेत थी, वहाँ पर जाके हमने वो पूरा स्पॉट भी दिखाया और उसके साथ ही गन्ने के खेत थे। एक आदमी दीवार फांद के निकल गया और एक पीछे से निकला जहाँ गेट था और वहाँ पर जो है वो वहाँ से फरार हुआ। और उसके बाद जो है मैसिव सर्च जो है वो पूरा उसके हंट के लिए चल रहा है। इसके ऑपोजिट में आपको दिखा दूँ, इसके ऑपोजिट में आपको दिखा देता हूँ कि ये पंडोरी बीबी है, यहाँ पर भी जो है हम रात को गए थे, वहाँ पर भी कह रहे हैं सर चल रहा है। ये पुलिस की गाड़ियाँ आपको तमाम दिखाई दे रही होंगी, तो ये वो इलाका, यहाँ पर किसी के भी आने जाने की जो है वो इजाज़त अभी नहीं है, जो लोकल लोग हैं वही आ जा रहे हैं। और दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फगवाड़ा से जब आप चंडीगढ़ या लुधियाना की तरफ जो है चल रहे हैं तो वहाँ पर भी रोक दिया गया है। तो लगभग यहाँ से 22 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों का जो है यहाँ से पूरा जो आवाजाही है वो रोक दी गई है। इस तरफ होशियारपुर है और इस तरह अगर दूसरी तरफ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो है वो रोड है जो जालंधर से फगवाड़ा होते हुए चंडीगढ़ निकलता। तो आप ये सारी तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर मैसिव हंट है, पुलिस कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं, किसी को जो है वो जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ से अगर हम दिखाऊँ आपको तो वो सीधा वहाँ टी पॉइंट से राइट लेकर फिर गुरुद्वारा और डेरे दोनों वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर जो है उसी जगह जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अभी जो है ऑपरेशन ये में यही बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा दूर नहीं है जो अमृतपाल है, अभी यही बताया जा रहा है सोर्सेज की तरफ से कि वो अमृतपाल ही था, अब पपलप्रीत था, अमृतपाल था, जो भी है उसकी सारी जो डिटेल है वो पुलिस अभी पूरी पुख्ता तरीके से बता पाएगी, क्योंकि पुलिस कल रात को ADG गुरविंदर ढिल्लों के से हमने बात करने की कोशिश की तो वो जो बेसिकली जो गुरविंदर ढिल्लों हैं वो उनसे बात की तो रात के करीब 3:30 बजे तो उन्होंने कहा कि अभी ये हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद ट्वीट भी आया होशियारपुर पुलिस का, लेकिन अभी तक जो है वो सर्च जारी है और ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल और पपलप्रीत जो है वो वहाँ पर जो है वो मौजूद थे, उन्हीं के लिए अंट करना था और वहीं से वो वहाँ से फरार हुए। और अभी भी देखिए अगली तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, वो जो है वहाँ पर खेतों की तरफ जो है वो पूरा सर्च
साथ आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। अमृतपाल सिंह जिसके पंजाब के होशियारपुर में होने की खबर आ रही है, लेकिन अमृतपाल इससे पहले दिल्ली में दिखा था जहां 21 मार्च को उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी। तो ये वीडियो दिल्ली के रमेश बाग का है जो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रिपोर्ट में पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब से भागने के बाद अमृतपाल और पपल पूर्वी दिल्ली में एक छात्रा के घर पर पहुंचे थे। इस छात्रा से पपलप्रीत की किसान आंदोलन के दौरान बातचीत शुरू हुई थी। पपलप्रीत अमृतपाल के साथ 21 मार्च की रात अपने दोस्त के रमेश पार्क के किराए के घर पहुंचा। भगोड़े अमृतपाल की तलाश 5 राज्यों की पुलिस कर रही है, लेकिन अमृतपाल लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। अमृतपाल का एक ताजा वीडियो आया है राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के रमेश पार्क इलाके का। सीसीटीवी में अमृतपाल और उसका साथी पपलप्रीत देखा गया है, जिसमें से अमृतपाल अपना बाल खोले हुए है और मुंह पे मास्क लगाए हुए है, ठीक उसके पीछे पपलप्रीत है। ये रमेश पार्क का गली नंबर 7 है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल दिल्ली जब आया था, जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है वो 21 मार्च का है, और वो रमेश पार्क के गली नंबर 7 में ही यहाँ पर रुका था। और बताया जा रहा है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय एक छात्रा जो पंजाब की रहने वाली है और रमेश पार्क में किराए के मकान में रहती है, उससे पपलप्रीत की दोस्ती हुई थी। और जब वो अमृतपाल के साथ पपलप्रीत दिल्ली के रमेश पार्क इलाके में आया था तो उसी लड़की के घर पे रुका था। हालांकि लड़की को इस बात की जानकारी नहीं थी, जो जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है कि लड़की को अमृतपाल के बारे में जानकारी नहीं थी। और रात भर वो रुके, डिनर किए और सुबह नाश्ता करने के बाद अमृतपाल पपलप्रीत के साथ यहां से चला गया। हालांकि जब जांच एजेंसियों को इस बात की जानकारी मिली तो जांच एजेंसी उस लड़की से पूछताछ की है। हालांकि सुरक्षा कारणों से उस लड़की के बारे में जांच एजेंसियां फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ एक के बाद एक लगातार जो लोकेशंस है वो बदल रहा है, कभी दिल्ली कभी पंजाब में चंदन उसकी होने की खबरें। और वाकई जो खबर अब सामने आई, अमित ने भी बताया कि पंजाब में कैसे इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये हैरान करने वाली खबर है कि लौट के वो वापस पंजाब पहुंचा है। बिल्कुल, और पंजाब के होशियारपुर में उसके छुपे होने की खबर आ रही है। अधिकारियों का ये कहना है कि वो लोग बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से सिर्फ उसके वीडियोज आते हैं, सीसीटीवी वीडियोज आते हैं, कभी दिल्ली कभी दूसरे राज्यों में उसकी होने की खबर आती है, लेकिन अब पंजाब के होशियारपुर में है और वहां पर पूरे इलाके को घेर लिया गया है, कॉम्बिंग की जा रही है। ये अलग अलग सीसीटीवी वीडियोज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से वो भाग रहा है। कभी बाइक पर नजर आता है, कभी बाल खुले रख के घूमता नजर आता है बाजार में। बड़ी खबर, खालिस्तानी रिंदा के संपर्क में, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भगोड़े अमृतपाल पर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, ये खबर इस वक्त सामने आ रही है कि खालिस्तानी रिंदा के संपर्क में है, सूत्र ये बता रहे हैं। इस वक्त पंजाब में सर्च ऑपरेशन जारी है भगोड़े अमृतपाल को लेकर, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही है वो ये कि खालिस्तानी रिंदा के संपर्क में है अमृतपाल सिंह, सूत्र ये बता रहे हैं। ये बड़ी खबर भगोड़े अमृतपाल को लेकर के, एक तरफ पंजाब में सर्च ऑपरेशन क्योंकि अलग अलग राज्यों से सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद, जो बीती रात देर रात तस्वीरें सामने आई पंजाब से, अब वहां उस जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि एक गाड़ी से इनके भागने की जानकारी पुलिस को लगी। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, पुख्ता जानकारी नहीं, लेकिन पुलिस को भी ये शक है कि उसमें अमृतपाल हो सकता है, भगोड़े अमृतपाल की तलाश जारी। तो खालिस्तानी रिंदा जो कि पाकिस्तान में रहते हुए भारत में लगातार अस्थिरता फैलाने की कोशिश में लगा रहता है, और अमृतपाल के रिंदा के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। Z News.